भोपाल की साइबर पुलिस ने एक महीने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराने एटीएम को आरोपियों ने निशाना बनाया था। दरअसल ये आरोपी एटीएम उपयोग करने वाले ग्राहकों के पिन कोड आदि रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद कार्ड की क्लोनिंग कर दिल्ली में उन्होंने पैसे का विड्रॉल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक रोमानिया का रहने वाला है और एक आरोपी मुंबई का है। पूर्व में भी रोमानिया के नागरिक के खिलाफ दर्ज मामले पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। और खास तौर पर पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जो कि प्रथम दृष्टया पुलिस के लिए भी चकराने वाला था। उस सूत्र जो थे प्रथम दृष्टया समझ से परे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक साथ 50 से ज़्यादा लोगों के एक बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ खातों से पैसे गए, जिन खातों में कभी उन्होंने किसी और को ना तो कोई ओटीपी दिया और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी शेयर की। खास तौर पे सामान्य तौर पे जो भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें खास बात रहती है कि या तो हम कोई ओटीपी शेयर करते हैं या किसी भी तरह की कोई जानकारी हम उसमें शेयर कर देते हैं, जाने अनजाने कोई लिंक हम शेयर करते हैं या लिंक को हम क्लिक करते हैं जिसके कारण हमारी कई बार जानकारियाँ शेयर हो जाती हैं। तो लेकिन इन पूरे मामलों में जो कि धीरे धीरे ऐसे 75 ऐसे मामले सामने आए। इस आरोपी का नाम 2015 से है और आरोपी का नाम आयोनल म्यू है। आयोनल म्यू रोमानियन नागरिक है और वहीं का है। ये पिछले दिनों जब वारदात किया तो इसने कई शहरों में वारदातें की और इसमें मॉडस ऑपरेंडी जैसा मैंने जिक्र किया कि बहुत ही संगीन तरीके का था। तो आयोनल म्यू जो है मुख्तार रोमानियन नागरिक, ओटीपी दिया था, ना कोई जानकारी शेयर की थी ना कोई लिंक क्लिक किया था। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खासतौर पर इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल अलग तरीके का था। इसमें क्राइम ब्रांच ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया, डीसीपी क्राइम और साथ ही साथ पूरी उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से लगातार काम किया और अंततः इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो टीम गई उस टीम ने बहुत थोड़े से कुछ धुंधले से सूत्रों के आधार पर पता किया तो उसमें जो जानकारी आई उसमें दिल्ली के सारे एटीएम्स पाए गए। दिल्ली के 9 एटीएम्स ऐसे चिन्हित हुए जहाँ से पैसे निकाले गए थे। इसके अलावा और कोई भी सूत्र पुलिस के पास नहीं था, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने उन सूत्रों को खंगालना शुरू किया, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ा और जो टीम थी जिसमें खास तौर पे यहाँ के हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं रजत हैं, इसमें रमन हैं, तेज राम हैं और आदित्य हैं, प्रताप हैं, ये सारे लोग इसमें गए और इन्होंने लगातार लगभग 15 दिनों तक मेहनत की। लगभग 100 से ज़्यादा CCTV देखे, लगभग बहुत सारे अलग अलग जगहों की जानकारियाँ और फिर तकनीकी संबंधी जानकारियों को एक एक करके इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को इसमें कुछ सुराग हाथ लगे। लंबी मेहनत के बाद फिर पुलिस की टीम जो है इसमें प्रयास करती रही। अंततः जो मामला आया उसमें इस पाया कि इसमें एक विदेशी नागरिक है जिसकी जड़ें रोमानिया तक हैं और रोमानिया के भी कुछ लोगों के उस संपर्क में है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति का लगातार पीछा किया, जानकारियों को जुटाया और उसके बाद अंततः पुलिस उसे दिल्ली से पकड़ने में सफल रही है। जब उसे पकड़ा गया तो उसने बताया कि ऐसी वो वारदातें पहले भी कर चुका है। ऐसे दो मामले उस पर पहले से कायम हैं। 2015 से वो यहाँ पर रहा है, जेलों में भी रहा है और अभी छूट करके इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वो एक बड़ा ड्रग एडिक्ट है जिसमें प्रतिदिन 50,000 से 60,000 रुपये की ड्रग भी वो प्रतिदिन लेता है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में उसकी जड़ों को जब खंगाला गया, उसे एक व्यक्ति का उसमें सहयोग था जो कि ठाणे का रहने वाला था, उसके सहयोगी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें कुछ मामलों से तत्काल में उसके अकाउंट से जो अभी हाल में उसने ठगी की थी, इसमें 15-16 लाख रुपए की ठगी के उसमें पैसे भी उसमें पुलिस ने उन्हें चिन्हित कर लिया है। इसके साथ साथ बाकी जो मामले हैं जो पूरे इस गैंग की जो बड़ी गिरोह है और फाती से जुड़े जो लोग हैं, इसमें खास तौर पर इसने कुछ अपना एक सर्किट तैयार किया था जिसमें खास तौर पर स्कीमर्स जो यूज करते हैं, जो डाटा को चुराते हैं और इसमें ATMs के माध्यम से लोगों को जिन लोग उपयोग करते हैं उन उपयोग किए हुए जानकारियों के आधार पर पुनः अपना नया कार्ड तैयार कर लेता था। तो एक धीरे धीरे इसने इस तरह के आपराधिक तरीका विकसित किया, एक मॉडस ऑपरेंडी विकसित किया, इसमें कुछ लोगों को यहाँ पे लगाया और इसमें पुलिस से इस बात पर भी जांच करेगी कि लगातार इसके मोबाइल फ़ोन से और रोमानिया में लगातार बातचीत है वहाँ के लोगों से जुड़ा, तो वहाँ क्या इस अपराध की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, किस तरीके से जुड़ा है या इस व्यक्ति की जो पढ़ाई है, मात्र 12th तक पढ़ने का इसने बताया, लेकिन 12th तक पढ़ करके इतने बड़े स्तर पर कैसे आपराधिक वारदात को इसने अंजाम दिया। एक पूरा सर्किट तैयार कर लिया इसने। ATMs में अलग अलग ऐसे छोटे कैमरे लगा रखे थे जो इतने पावरफुल थे कि व्यक्ति के
जो एटीएम पर हम जो पिन कोड डालते हैं उस पिन कोड को कैच कर लेते थे।